करनाल के पांच गांव कालरम, लालूपुरा, रायपुरा सहित पांच गांव की जमीन चकबंदी का मामला कई सालों से चला हुआ है, जिसमें गांव के किसानों की जमीन की चकबंदी कुछ भू माफियाओं द्वारा अपने नाम करवाने का आरोप लगा हुआ है, जिसको लेकर कई बार ग्रामीण अपनी जमीन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। करनाल के पांच गांव कालरम, लालूपुरा, रायपुरा सहित पांच गांव की जमीन चकबंदी का मामला कई सालों से चला हुआ है, जिसमें गांव के किसानों की जमीन की चकबंदी कुछ भू माफिया द्वारा अपने नाम करवाने का आरोप लगा है। कई बार ग्रामीण अपनी जमीन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन किसानों द्वारा मामले की जाँच की मांग की गई। जो भी दोषी अधिकारी थे, जिन्होंने मिलीभगत कर चकबंदी कर जमीन अन्य लोगों के नाम करवाने वाले अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आज चकबंदी पीड़ित पांच गांव कालरम, हराईपुरा, भरतपुर, लालूपुरा और अमृतपुर कला के किसान सीएम के नाम डीसी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। बड़ी तंगी में किसान है, कोई सुनवाई नहीं। पूरे मामले की जांच सीएम साहब ने, हमारी मांग थी कि भाई इसकी जांच सीबीआई तक कराई जाए। सीएम साहब ने इसकी जाँच करनाल चौकसी ब्यूरो को सौंप दी थी, विजना चौकसी ब्यूरो को। उन्होंने तत्परता कार्रवाई करते हुए पांच चकबंदी अधिकारी जो फिलहाल एक तो मौके में आकर नाल में बैठा दलबीर एसीओ और 10-12 भू माफिया जो अमृतपुर कला के हैं, अमृतपुर खुर्द के, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करी थी। लेकिन 5-6 महीने के बीतने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, ना कोई गिरफ्तारी। ये लगता है अभी किसानों को बकाया गया, एक एफआईआर कॉपी मारे था दे दी, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं।